डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ फैमिली है एक, मतलब के मज़ा आता है यहाँ पे। सीनियर्स जूनियर्स का मतलब के हिसाब ही नहीं है, भाई 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 एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मतलब है ही स्किल्स, क्रिएटिविटी है, एक दूसरे को बता रहे हैं ऐसे होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी है पूरी, आपने चीज़ों को कम्युनिकेट करना कैसे है। सीनियर्स का कोई और थीम पॉइंट है, जूनियर का कोई और पॉइंट है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, एक नई चीज़ बन के निकल रही है, आइडियाज़ मिल रहे हैं। तो सीनियर जूनियर में तो नहीं होगा ना, जब आप फैमिली हो, एक दूसरे की आप सपोर्ट बन रहे हो, तो मतलब मज़ा आता है यहाँ पे। मतलब लर्निंग से ज़्यादा जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ना, उसमें मज़ा आता है सीखने का। लास्ट ईयर अक्टूबर में जो है वो मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तब से लेके अब तक का जो मेरा टाइम है वो बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत मेमोरीज मैंने यहाँ पे बनाई हैं। सबसे मज़े की जो एक मैं अगर मेमोरी शेयर करूँ तो यहाँ पे सिल्वर जुबली हुई थी, जो कि डिपार्टमेंट के 25 साल कंप्लीट हुए थे, तो एक इवेंट हुआ था और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बड़ा क्रिएटिव, बहुत मज़े का इवेंट था, क्योंकि तमाम लोग जूनियर और सीनियर सब लोग इकट्ठे हुए थे, एक साथ जो है वो सबका इवेंट बनाया गया था, तो वो मेरे लिए बड़ी एक मेमोरी है यहाँ की। उसके अलावा अब तक का टाइम जो है वो बहुत अच्छा गुजरा, जितने भी इवेंट्स आए हैं मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया है। आई होप कि अब जो आने वाले जो बैचेस होंगे उनका भी टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा गुजरेगा। तो किसी भी इंडिविजुअल या इंसान के लिए बहुत बड़ी ऑनर होती है कि जिस इदारे से आप फारिग हुए, तहसील और ग्रेजुएट हुए, वहीं पर आपको मुलाजमत करने का या टीचिंग करने का मौका मिले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से तो मैं इस डिपार्टमेंट का पहला ग्रेजुएट हूँ जो एज अ परमानेंट फैकल्टी मेंबर, जिसको रिक्रूट किया गया आज से 21 साल पहले सन 2001 में। डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर टीचिंग के फराइज सरंजाम दे रहे थे, उनमें से कोई भी डिपार्टमेंट का ग्रेजुएट नहीं था। कुछ लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ था और कुछ अफराद जो थे वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पर सर्विसेज दे रहे थे। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र बजा लाता हूँ कि डिपार्टमेंट अपना मैगज़ीन पब्लिश करने जा रहा है, अपना रिसर्च जर्नल निकालने जा रहा है, और हम नए प्रोग्राम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, वीकेंड प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो ठीक है अभी हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकल कंट्रीज़ के बराबर तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन बाय एंड लार्ज डिपार्टमेंट ने काफ़ी हद तक एक्सेल किया है। 2021 से 23 तक का था हमारा सेशन, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे चंद दोस्त जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं उनके साथ बहुत मज़ा आया। सर्दियों की शाम में हमारा सर्दियों का सेशन इतना अच्छा था कि अल्फाज भी नहीं निकलते, इतना एक्सप्रेसिव था वो सीज़न। मुझे इधर 11 साल हो गए ड्यूटी करते हैं, 11 साल में पता नहीं कितने हज़ारों तादाद लोग आए हैं चले गए हैं, और अच्छा सलूक करते हैं जाते हुए आते हुए, और जब वो डिग्री लेने आते हैं तो बहुत याद आते हैं, किसी के तो नाम भी याद है मुझे। काफ़ी बच्चे आते हैं, उनमें कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उनका अखलाक अलहदा होता है, अच्छा अखलाक होता है हमारे साथ, तो बहुत ज़्यादा आते हैं। नाम जौदत है और मैं एमफिल में सेकंड सेमेस्टर कर रहा था, जो कि अब ओवर हो चुका है, और इससे काफ़ी यादें जुड़ी हैं हमारी, और हमने देखा कि एमए में तो हमारी बहुत सारी क्लासेज जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हो चुकी थी, लेकिन एमफिल में बहुत सारी हमें चीज़ें सीखने को मिली, सर शहजाद से, अपने क्लास फेलोज से बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिले, बहुत सारी प्रैक्टिकल्स किए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अक्सा है और मैं बीजीयू से एमफिल कर रही हूँ, और अब हमारा जो है आज सेकंड सेमेस्टर जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है, और अब जो है हम लोगों का अब सिर्फ थीसिस वर्क रह गया है, जिसके बाद जो है हम लोग एक दूसरे से बहुत कम मिला करेंगे, हर कोई अपने काम के लिए आया करेगा। तो इस तरह से लग रहा है सेकेंड सेमेस्टर के बाद जैसे हमारी जर्नी ख़त्म हो रही हो, लेकिन अभी हमारी यहाँ पर जर्नी रहती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम लोगों ने वुमेन यूनिवर्सिटी से बीएस किया था हम यहाँ पर, और भी हमारे साथ जो मेरी क्लास फेलोज़ हैं वुमेन यूनिवर्सिटी से हम बीएस करके आए थे, तो इंटायरली एक चेंज इन्वायरमेंट मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया। लेकिन फ्यूचर आप लोग हैं, जो आज का स्टूडेंट है, तो मैं ये ज़रूर विजुलाइज़ करता हूँ कि आज से 25 साल के बाद आप लोग इस डिपार्टमेंट को, इस इंस्टीट्यूट को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे।